abundance, abhinandan, swagat. प्रमुख शिक्षक स्कूल शिक्षा श्री गौरव देव जी द्वारा सर्वप्रथम कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल जी का छत्तीसगढ़ी परंपरा अनुसार प्रत्येक रूप से स्वागत। प्रमुख शिक्षक स्कूल शिक्षा द्वारा कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री स्वागत की इस कड़ी में श्री गौरव देवी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वागत भाषण। गुरु साक्षात पर ब्रह्मी श्री कृष्ण। आज के शिक्षक दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में आने से पहले शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी हमारी माननीय राज्यपाल जी की रही है और इसीलिए शिक्षा में उनकी विशेष रुचि हर बार हमें दिखती है। इस कार्यक्रम में आपके मुख्य आतिथ्य में संचालित हो रहा है, उसमें आपके मार्गदर्शन की हम अपेक्षा करते हैं। मैं साथ ही स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का सामाजिक क्षेत्रों में और विशेष रूप से हर स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था का विस्तार और प्रसार करने में और उसकी गुणवत्ता का सुधार करने में जो उनकी विशेष रुचि है वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत रही है। और विभाग की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे विभाग के नेता, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग का भी, हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी लोगों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ उन सभी गुरुजनों का जो आज के कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित होकर के आए हैं, जो आज हमारे अतिथियों के माध्यम से अपने पुरस्कार प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी लगन, उनकी निष्ठा और उनके द्वारा किए गए कार्यों का मैं हार्दिक सम्मान करता हूँ। साथ ही इस विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मीडिया के साथी और अन्य विशिष्ट जन जो आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, उन सभी का मैं विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम एक तरफ हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति को संजोने का एक समय है और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ते चलने के लिए पुनः संकल्पित करने का एक समय है। लेकिन साथ ही साथ न केवल वे गुरुजन जो यहाँ आज सम्मानित हो रहे हैं, बल्कि उनके माध्यम से हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में जो 2 लाख से अधिक शिक्षक हैं, जो राज्य के कठिन से कठिन क्षेत्रों में पूरी मेहनत और लगन से शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता के लिए काम कर रहे हैं और जो हमारे 50 लाख बच्चे उन गुरुजनों से रोज शिक्षा और जीवन मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को भी हम हार्दिक नमन करते हैं और उनको आगे आने वाले दिनों में
हमारे विभाग की गुणवत्ता के प्रति जो कृतज्ञता है और जो निष्ठा है उसके प्रति आश्वस्त करते हैं। एक बार फिर मंचा सिंह सामने दीर्घाल बैठे और आप सभी के माध्यम से पूरे राज्य के सभी शिक्षक गुरुजनों का मैं हार्दिक नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राज्य स्थापना के साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के नौजवानों समय किताबों की स्मृति में राज्य स्तरीय स्मृति पुरस्कार घोषित किए गए थे। सभी मंच अतिथियों ने हमारे चयनित शिक्षकों का सम्मान करने का निवेदन। डॉक्टर सरुण लाल पुनर्वास बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होंगे। सभी मंच अतिथियों से हमारे चयनित शिक्षकों का सम्मान करने का निवेदन। डॉक्टर पदमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होंगे श्री संजय कुमार मैथिल उच्च श्रेणी शिक्षक नैयारी पाटन दुर्ग। इन्हें 50,000 की राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर प्रेम सिंह सहायक स्कूल शिक्षा जी द्वारा हमारे शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम सहायक टिकाम जी स्कूल शिक्षा मंत्री से सम्मानित होंगे श्री संतोष कुमार साहू सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बसंती गरियाबंद। हमारे सम्मानित अतिथियों से द्वारा हाथों उनका स्वागत। इन्हें 50,000 की राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर मुकुंदर पांडे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहे हैं श्री रामनाथ साहू व्याख्या का देवर घटा शक्ति महामहिम। हमारे पूरे माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री सत्यनारायण दास द्वारा डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होंगे श्रीमती रजनी शर्मा व्याख्याता मायाराम सुरजन शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला चौबे कॉलोनी रायपुर। इन्हें महामहिम राज्यपाल जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में राज्य स्तर पर चयनित शिक्षकों का सम्मान सर्वप्रथम श्रीमती ललिता रंगारी प्रधान अध्यापक शासकीय कार्य कन्या प्राथमिक आश्रम अंतर्गत सम्मानित हो रही हैं। महामहिम द्वारा इन्हें पुरस्कार स्वरूप शॉल श्रीफल तथा पिकी पुरा की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती मीना आरसी चौहान व्याख्याता शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय दुमारी का गेट सम्मानित हो रही है। महामहिम राज्यपाल द्वारा
व्याख्या का शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला पिपरिया कोरबा। सम्मानित हो रहे हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा। श्री नेत्राम माकोडे शिक्षक केंद्रीय जेल रायपुर। सम्मानित हो रहे हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद सिंह टेकाम जी द्वारा। प्राथमिक शाला विवेकानंद आश्रम रायपुर। सम्मानित हो रहे हैं महामहिम राज्यपाल द्वारा। श्री रूप चंद पाठे प्रधान अध्यापक शासकीय पूर्ण माध्यमिक शाला बांकी। श्री रूपचंद पांडे प्रधान अध्यापक शासकीय पूर्ण माध्यमिक शाला पांगी जिला मुंगेली। सम्मानित हो रहे हैं मुख्यमंत्री द्वारा। श्री पूरनदास साहू व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुंदनी बुलोर। सम्मानित होंगे मुख्यमंत्री द्वारा। श्री भुवनलाल सिन्हा व्याख्याता शासकीय उच्च पूर्व माध्यमिक शाला चौबेली गुंडरदेही। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध की उनको सम्मानित करें। सम्मानित हो रही है राज्यपाल महोदय द्वारा। श्री जिनेन्द्र कुमार जैन प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मतवाली जिला दुर्ग। सम्मानित होंगे श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के हाथों। डॉक्टर डी के उपाध्याय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कोड़ी बटका कोरिया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम समारोह हो रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम द्वारा। श्री कौन श्री उच्च श्रेणी शिक्षक शासकीय पूर्ण माध्यमिक शाला रोकड़ा मनेन्द्रगढ़। मुख्यमंत्री जी द्वारा समापित हो रहा। श्री शिवेंद्र चंद्रवंशी व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला राजा नमकगांव वे समापित होंगे मुख्यमंत्री जी द्वारा। राज्यपाल
द्वारा मैं सम्मानित हूँ। श्री देव कुमार सूर्यवंशी सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला धनुहाट पारा सोनी। मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित श्री बोधीराम साहू सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला पटेरा। मुख्यमंत्री से अनुरोध उनका स्वागत। श्रीमती वीना सिंह प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सुकमा सम्मानित होंगी महामहिम राज्यपाल के हाथों। श्री सुशील कुमार शिवा प्रधानाध्यापक शासकीय कन्या शाला कोंटा सुकमा। हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध की उनका स्वागत। श्री योगेंद्र कुमार गौरव प्रधान अध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला हरदी पारा बेझा सम्मानित होंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय के काम द्वारा श्री रघुवंश कुमार मिश्रा शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला टेकन माता जी के चयन पश्चात स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके सुपुत्र श्री पारस मिश्रा पुरस्कार ग्रहण करेंगे। श्री कमलेश्वर प्रसाद बर्मी व्याख्या का शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला टेकल कुटी मैनपुर। इन्हें पुरस्कार स्वरूप 30,000 की राशि प्रशस्ति पत्र अनुसार शुल्क प्रदान किया जा रहा है। श्री विजय कुमार शर्मा शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोमा खान जिला महासमुंद। श्री ऐतराम साहू शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अछोली। हमारे माननीय अतिथियों के हम लोग सम्मानित हो गए। सविता सिंह व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल पिंडारी वॉड्रप नगर सम्मानित हो गई हमारी महामहिम राज्यपाल मैडम द्वारा।
ह्यूमर वॉटर नगर सम्मानित हो रहे हैं। इन्हें 1000 की राशि स्कॉलरशिप पर से सम्मानित किया जा रहा है। श्री भूपेंद्र कुमार का धनिया बैठा था शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला देवला जिला बेमेतरा। माननीय अतिथियों द्वारा सम्मानित होते हुए श्री राजेंद्र कुमार झा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला टंडरता बेंद्रा। कानूराम गुप्ता शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तेरा बहार लैलूंगा। माननीय अतिथियों के साथ स्वागत होते हैं। श्री भुवनेश्वर पटेल प्रधान अध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला कक्षा जिला रायगढ़। माननीय अतिथियों द्वारा सम्मानित होते हुए ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे थे, जहां पर आज शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उन तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा था जिनका योगदान एक बेहतर निर्माण आने वाले भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।